वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 60 डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ साइंस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग्स होंगी उनको। इसमें फ्रूट्स और उनके एडिबल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे आप एक क्लास देख सकते हैं, इसके साथ में रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। लगातार ये दोनों ही सीरीज चल रही है, इसके अलावा कुछ अभी मैंने नया नहीं स्टार्ट किया, नए में फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहा है UPPCS के लिए। तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या क्या स्टार्ट हो गया है, कभी कुछ, तो ऐसा नहीं है। दोपहर 1 बजे की सीरीज़ जो है वो GS की होती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को लेकर के जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं UPPCS और RO री एग्ज़ाम है, इनको टारगेट करते हुए क्लासेस आती है। और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जाती है उन्हीं सब्जेक्ट्स की, जैसे कि अभी हिस्ट्री चल रही है सेकेंड पार्ट, टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही हर सब्जेक्ट की। तो अभी हिस्ट्री उनका सेकेंड पार्ट है, पॉलिटी हो चुकी है, साइंस हो चुका है, ठीक है, एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चंस हुए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहा है UPPCS का, तो बस यही चल रहा है यहाँ पर। जो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यही दोनों सीरीज। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है UPPCS के लिए, मात्र 1600 रुपये में फुल पेड कोर्स है, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, GS, करेंट अफेयर, टेस्ट सीरीज की, पेड क्विज की, सभी की क्लासेस मिलेंगी। और मात्र 800 रुपये में आपको RO री एग्ज़ाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा कोर्स है जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी हिंदी और GS दोनों की। करेंट अफेयर भी बेस्ट तरीके से कंप्लीट कराया गया है क्लास में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, मैंने ये इंग्लिश वाली PDF ली है, हिंदी में भी अवेलेबल कराऊंगी। अगर आप लोग को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो मैं हिंदी में एक बार फिर से रिपीट करा दूंगी। पर इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। कि कुछ फ्रूट्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इनमें से इनका कौन सा भाग है जो खाया जाता है, जैसे कि बनाना का। बनाना का जो एडिबल पार्ट खाने वाला भाग होता है वो मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है। कैश्यू नट का कॉटिलीडेंस होते हैं और फ्लेसीथेलमस इसका खाया जाता है। ग्राम और पी में कॉटिलीडेंस होते हैं और इनके एम्ब्रियोज होते हैं जो खाए जाते हैं। मलबेरी में जूसी पेरियंथ होता है। पाइनएप्पल में ब्रैक्ट्स और रिसेप्टिकल्स होते हैं जो खाए जाते हैं, और एप्पल का फ्लेसीथेलमस एडिबल पार्ट होता है। मैंगो का मीजोकार्प होता है। ग्रेप्स का पेरिकार्प और प्लेसेंटा वाला पार्ट एडिबल होता है। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो खाया जाता है। वीट और मेज का स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है इनका एडिबल पार्ट। लीची का फ्लेसी एरिल होता है। ग्राउंड नट का कॉटिलीडेंस और इनके एम्ब्रियोज होते हैं एडिबल पार्ट। जैक फ्रूट में ब्रैक्ट्स भी खाया जाता है, पेरियंथ भी और सीड्स भी। ऑरेंज में जूसी हेयर होते हैं। पियर का फ्लेसी थैलमस एडिबल पार्ट होता है। गुआवा का पेरिकार्प और प्लेसेंटा होता है। पपाया में मीजोकार्प और टमेटो में एपिकार्प और प्लेसेंटा दोनों हैं। कुकुम्ब का मीजोकार्प एंडोकार्प दोनों एडिबल पार्ट होते हैं। फिक का होता है फ्लेसीथेलमस। पोमोग्रेनेट का जूसी सीड कोट खाए जाते हैं। टमेटो में पेरिकार्प और प्लेसेंटा दोनों एडिबल पार्ट होता है। टमेटो में भी यही है, ठीक है, ये दिया गया है दो बार। डेट पाम फ्लेसी पेरिकार्प खाया जाता है। पाइनएप्पल के ब्रैक्ट्स और रिसेप्टिकल्स। स्ट्रॉबेरी का यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेसीथेलमस हो जाएगा एडिबल पार्ट, और मस्टर्ड के सीड, सभी को पता है। अब देखिए, कुछ प्लांट्स के स्टेम होते हैं जो एडिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें खाया जाता है, ठीक है, जैसे कि सुगर केन, अनियन और पोटैटो। ये तीनों स्टेम होते हैं, बहुत बार पूछा गया और कंफ्यूज मत होइएगा, तना जिसे बोलते हो। तो सुगर केन, अनियन और पोटैटो, आलू, प्याज और गन्ना, इन तीनों का स्टेम वाला तना वाला भाग खाया जाता है। किन की पत्तियाँ खाई जाती हैं, तो मस्टर्ड हो गया, स्पिनच हो गया, फेनुग्रीक हो गई, तो ये सारी इनकी पत्तियाँ भी खाई जाती हैं। रूट्स में क्या कहा जाएगा, कैरेट आता है, बीट रूट आता है, रेडिस आता है, स्वीट पोटैटोज आते हैं, तो ये सारे जड़ में आते हैं, गाजर, चुकंदर, मूली और शकरकंद, ये किस में आएंगे, जड़ वाले भाग होते हैं जिनको खाया जाता है। फ्लावर में किसका, कैबेज और कॉलीफ्लावर।
एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, अदरवाइज आप लोग कमेंट्स करने लगते हैं मैम हिंदी में दीजिए और कोई करने लगता है इंग्लिश में। तो केला का देखिए मध्य और अंत भित्ति खाई जाती है। काजू की बात करें तो बीजपत्र और पुष्पासन होता है। चना और मटर का बीजपत्र और भ्रूण होता है। शहतूत के रसीले परिदल पुंज, देखिए इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है याद करना। अनानास का ब्रैक्टस और रिसेप्टिकल से सेम देखिए उसी को लिख दिया गया। सेब का पुष्पासन और थैलमस वाला भाग। आम का मध्य फल भित्ति, अंगूर का फल भित्ति और बीजांडासन। नारियल का भ्रूण पोष और खीरा का मिजोकार्प एंडोकार्प। अंजीर का क्या हो गया मांसल थैलमस। अनार का रसदार बीज कोट है। टमाटर का पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाया जाता है। गेहूँ और मक्का का स्टार्ची एंडोस्पर्म है। लीची का एरिल होता है। मूंगफली का बीज पत्ता और भ्रूण खाया जाता है। कटहल का परिदल पुंज और बीज। नारंगी का जूसी हेयर और नाशपाती का पुष्पासन और थैलमस। अमरूद में उसकी फलभित्ति और बीजांडासन खाए जाते हैं। पपीता का मध्य फलभित्ति होता है। टमाटर पड़ चुके हैं। खजूर का मांसल पेरिकार्प और अनानास का ब्रैक्टस और रिसेप्टिकल से स्ट्रॉबेरी का मांसल थैलमस हो जाएगा। सरसों के बीज। अब कुछ पौधों को देखिए जिनके तने खाए जाते हैं जैसे कि गन्ना प्याज आलू। पत्तियाँ किसकी सरसों पालक और मेथी की। जड़ कौन कौन सी होंगी गाजर चुकंदर मूली शकरकंद। इसके अलावा फूल का क्या हो जाएगा पत्ता गोभी और फूल गोभी। अब हम लोग बात करने वाले द्विबीजपत्री पौधों की जिनके पौधों के बीज में दो पत्र होते हैं। आपने मटर देखा है मटर में आपको ऐसे करके दो बीज दिख रहे होंगे ठीक है, इन्हें द्विबीजपत्री बोलते हैं। इसी तरह से अब इनके नाम से पूछ लिया जाता है किस कुल का पौधा है या ये किस कुल में आते हैं। तीन चार ऑप्शन देकर के पूछा जाता है। तो जैसे कि पहला क्रूसीफेरी है तो क्रूसीफेरी में मूली सलजम सरसों और गोभी आता है। मालवेसी में कपास भिंडी चाइना रोज आ जाएगा। लेग्यूमिनेसी में मटर है केटचू है अरहर है सोयाबीन लोबला की फलियां रॉयल पोइनियाना गोल्डन शावर ट्री और इमली है बबूल है अशोका है सेम प्लांट है रोजवुड चीकू काला चना इंडिगो ये सारे लेग्यूमिनेसी में आते हैं। कंपोजिटी में सूरजमुखी है लेट्यूस है झिन्निया है काइसेंथमम है और मैरीगोल्ड है। रोटेसी में नींबू संतरा और चकोतरा आता है। कुकुरबिटेसी में तरबूज खरबूज टिंडा कद्दू लौकी खीरा ककड़ी परवल और करेला है। सोलेनेसी में आलू मिर्च बैंगन मकोई धतूरा बेलाडोना और टमाटर है। रोजेसी में गुलाब आएगा सेब और नाशपाती भी। मिर्टेसी में अमरूद है यूकेलिप्टस है जैम्बोलन है और हीना है। अमरेली फेरे में धनिया जीरा लॉन्ग सौफ जंगली गाजर है और रेनुनकुलेसी में बटर कप और जीरा है। एक बार इंग्लिश में देखेंगे जिससे आपको ये इजी रहे लर्न करना। ये लिस्ट आपको दिख रही होगी इसी को लर्न करना है जो भी हम लोग पढ़ रहे थे क्रूसीफेरी मालवेसी लेग्यूमिनेसी कंपोजिटी रूटेसी कुकुरबिटेसी सोलेनेसी रोजेसी ठीक है सारी आपको याद रखनी है मिर्टेसी अम्बलीफेरी और रेनुनकुलेसी। इन सब के एग्जाम्पल्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन और इनका कारण क्या होता है। जैसे कि फलों में रंग भी होता है कुछ सब्जियों में कड़वापन होता है। अब इसका कारक क्या है वो देकर के पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे आंवले में जो कसैलापन होता है वो है टैनिन की वजह से। बादाम में कड़वाहट होती है एमाइलोडिन की वजह से और पपीते में पीला रंग होता है कैरिक्सैंथिन की वजह से। मिर्च में तीखापन होता है कड़वा नहीं होता वो तीखापन होता है वो होता है कैप्सिसिन की वजह से। और खीरे में कड़वाहट होती है वो होती है कुकुरबिटेसिन की वजह से। करेली की कड़वाहट होती है मेमोडिकोसाइट की वजह से और आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन और गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से। इसके अलावा मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट की वजह से। लहसुन में गंध का कारण होता है एलाइजिन। पीपर में जो गंध का कारण होता है वो ओलियोरेजिन होता है। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से बहुत बार पूछा गया। और हल्दी में पीला रंग भी याद रखिएगा कुर्कुमिन की वजह से होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। तिलहनों के तेल का जो पीला रंग है वो कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। और सलजम में चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होती है। गाजर में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। पीपर में कड़वाहट कैसे होगी वो ओली मोरिसिन की वजह से है। अरबी का जो कसैलापन है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। बेल में भी कड़वापन होता है वो होता है मार्मोलोथसिन की वजह से। प्याज का रंग एंथोसाइनिन और एंथोक्सैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है जो फ्लेवोनॉइड्स के वर्ग से संबंधित होते हैं। एंथोसाइनिन नारंगी पीला बैंगनी ये सारे कलर प्रदान करते हैं जबकि एंथोक्सैंथिन ये हल्का पीला और सफ़ेद रंग प्रदान करता है। अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन को लेकर के क्योंकि आज मैंने साथ में ही दे दिया है।
आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं और इससे आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी आपको फैक्ट में प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों को शेयर भी कीजिए, और इनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम टाइम में। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से न्यू पेड कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।